भोपाल से खबर है, जहां आईए के 104वें राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रशासन अकेडमी परिसर में कार्यक्रम जारी है। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन है और इसमें प्रशासन अकेडमी परिसर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। तो बता दें आपको, भोपाल में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन जारी। कई राज्यों के जैसे मध्य प्रदेश जैसे जो लैंड लॉक्ड राज्य हैं, उनके सामने चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उन लोगों को कोई समुद्र या उससे उन लोगों का कोई सीधा एक्सपोर्ट बढ़ाने का साधन नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स जो है वो कई गुना बेहतर है। इसलिए हमें ये देखना होगा उन राज्यों के मुकाबले जहाँ ये बेहतर है कि मध्य प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड स्टेट्स कैसे आगे बढ़ सकें। मुझे याद है डॉक्टर नागेश यहाँ पर हैं, हम लोगों ने लैंडलॉक्ड कंट्रीज जैसे भूटान है, नेपाल है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इन देशों के लिए भारत ने कई प्रयास किए जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। तो फिर हमारे लैंडलॉक्ड स्टेट्स के बारे में हमारी नीति क्या हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ये बात नीति आयोग के समक्ष भी रखी और मुझे लगता है कि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसका ट्रेड और ट्रेड लॉजिस्टिक्स से अत्यंत गहरा संबंध है। पॉवर्टी को लेकर के जो बार बार प्रधानमंत्री कह देते हैं कि हमें एस्पिरेशन की बात करनी चाहिए, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसी के लिए अपनी बात समाप्त करते हुए